दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए JMT न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख पाए लेटेस्ट न्यूज वीडियोस सबसे पहले। 20 साल पुराने काला हिरण शिकार मामले में गुरुवार को जोधपुर की चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट CJM की कोर्ट ने सलमान खान को दोषी करार दिया। CJM देव कुमार खत्री ने सलमान को 5 साल कैद की सजा सुनाई और ₹10,000 का जुर्माना लगाया। सलमान को जोधपुर जेल भेजा गया। वे चौथी बार जोधपुर जेल गए हैं। जेल जाने के बाद सलमान को खाना दिया, लेकिन उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया। जेल DIG ने बताया कि जेल नियमों के अनुसार सलमान खान को रोटी, पत्ता गोभी की सब्जी और चने की दाल खाने के लिए दी है, लेकिन उन्होंने खाना नहीं खाया और भूखे सो गए। उन्हें जेल में दाखिल करते समय मेडिकल जाँच कराई गयी थी। शुरुआत में उनका ब्लड प्रेशर हाई था, लेकिन कुछ देर बाद दोबारा जाँच कराने पर सही पाया गया। सलमान की तरफ से अभी तक कोई डिमांड नहीं आई है। उनके बॉडीगार्ड शेरा सलमान के लिए कुछ कपड़े व नाश्ता लाए थे, लेकिन नाश्ता वापस लौटा दिया गया है। सलमान को धमकी को देखते हुए 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की है। सलमान ने टॉयलेट की व्यवस्था के बारे में पूछा था। उन्हें बाथरूम व गीजर को लेकर खुद का किया पुराना वादा भी याद है, शायद वे इस बार पूरा करें। उन्हें खाने व पीने को वही सब कुछ मिलेगा जो अन्य कैदियों को दिया जाता है। करीब 11 साल बाद सलमान खान एक बार फिर देश की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक जोधपुर जेल पहुंचे। इस जेल में चौथी बार पहुंचे सलमान को कैदी नंबर 106 बनाया गया है। उन्हें वार्ड नंबर 2 के एक कमरे में अकेले में रखा गया है। अब वे जेल में आसाराम के पड़ोसी बन गए हैं। 11 बरस में जोधपुर जेल काफी बदल चुकी है और यहाँ कई कुख्यात गैंगस्टर बंद है जिनसे सलमान की जान को खतरा हो सकता है। ऐसे में उन्हें जेल में सबसे सुरक्षित मानी जाने वाले स्थान पर रखा गया है। वर्ष 2006 में 5 साल की सजा सुनाए जाने के बाद सलमान 6 दिन के लिए जोधपुर जेल में कैदी नंबर 210 बनकर रहे थे। जेल में सलमान की बैरक में हत्या के आरोप में सजा काट रहा महेश सैनी रहा था। जेल में रहने के दौरान यहाँ के सीमित और बदबूदार टॉयलेट्स के कारण सलमान को सबसे अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा जेल की गर्मी ने सलमान की जमकर परीक्षा ली। जेल की बैरक के सीमित पंखों में सलमान को एक एक पल निकालना भारी पड़ गया था। इससे सलमान को एहसास हुआ कि जेल के अन्य बंदी कितनी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। रिहा होते समय उन्होंने वादा किया था कि वे जेल के सभी टॉयलेट्स को सुधारने और बैरक में कूलर लगाने के लिए राशि प्रदान करेंगे। जेल से निकलने के बाद माया नगरी मुंबई लौटने के बाद सलमान अपना वादा भूल गए। यदि दोस्तों आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ।